सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन योर चैनल अल्फा ट्रेडिंग। और यहाँ पे बात होगी आज कि आपको कौन सी टाइम फ्रेम पे ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, कौन सा आपको वर्थ ही रहेगा और कौन सी टाइम फ्रेम के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन लोगों ने किया उनका भाई दिल से शुक्रिया। तो वीडियो करते स्टार्ट। अब देखो, ठीक है, अब अगर आपके पास दो सिचुएशंस हैं, मान लो एक है आपके पास मार्केट सही चल रहा है और फ्लक्चुएशन प्रॉपर डायरेक्शन में और कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है नहीं कहीं पे दिख रहा आपको, देन मैं सजेस्ट करूंगा 1 से 3 मिनट की ट्रेड लो, वो बेनिफिशियल रहती है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो एक प्रॉपर ट्रेंड में चल रहे हो, ठीक है, तो आप थोड़े से सपोर्ट के बाद, ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के बाद उसी ट्रेंड पे ट्रेड कर सकते हो 1-2 मिनट की। ओके, अब आते हैं 5 मिनट के ऊपर। अब 5 मिनट पे ट्रेड करना है तो सबसे पहले तो भाई आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 मिनट में अगर आप इस तरीके से, यहां से देखो, अब मान लो 5 मिनट में मैं यहां से ट्रेड करता हूं, ठीक, यहां से फर्स्ट 1 मिनट यहां पे मैंने ली, 2 3 4 5, यहां पे मेरा क्लोज हो जाता है, मतलब यहां पे लॉस हो जाता है, ट्रेंड लिया मैंने अपवर्ड। इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए आपको करना है कि अगर 5 मिनट पे ट्रेड ले रहे हो, थोड़ा मार्केट की रीबैक पे ट्रेड करो। मतलब ये है, जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहा है उस टाइम आपको ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ये कंडीशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये इस तरीके की कंडीशन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आई मीन कि एक प्रॉपर पैटर्न पे कंटिन्यूसली जो आपको कैंडल मिलती है वो हमेशा नहीं मिलती, वो कभी कभार मिलती है भाई। और इस तरीके की कैंडल स्टिक पैटर्न ये आपको ज़्यादा मिलते हैं, मतलब थोड़ा डाउन देन अपवर्ड, थोड़ा डाउन देन अपवर्ड, डाउन अपवर्ड, डाउन अपवर्ड, ठीक है। फिर अब आपको ये पता नहीं है कि ये कहाँ से कंटिन्यूसली लेने वाला है ट्रेड, ठीक है, तो इसके लिए आपको पता क्या करना रहता है? इसके लिए करना रहता है आपको कि जो आपके सपोर्ट लेवल हैं उनको आपको क्लियरली कटआउट होने देना है 1-2 कैंडल तक। मतलब ये है, जैसे अगर यहाँ से अगर आपको ये इस तरीके की मूवमेंट पकड़नी है, देन आपको यहाँ पे देखना है कि आपको कम से कम 2 कैंडल जो है आपके कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे हम, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कैंडल स्टिक थी यहाँ पे कम से कम 2 कैंडल अपवर्ड रहनी चाहिए इस रेजिस्टेंस से, देन आप लोग 5 मिनट की ट्रेड बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए। अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, मार्केट पे प्रेशर देखना पड़ेगा, मार्केट की फ्लक्चुएशन चेक करनी पड़ेगी, और जो आपको बोला है मूवमेंट अगर मार्केट की सही चल रही है देन सिर्फ तभी जाके आपको 1 से 3 मिनट का ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है भाई। क्यों लें? क्योंकि अदरवाइज देखो, अगर अब मैं यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड लेता हूँ, देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्ट करते हैं करेंसी पे, करेंसी तो यहाँ पे अभी GBP USD अवेलेबल है और यूरो USD होगा, तो GBP USD पे बताता हूँ मैं आपको। देखो, अगर इस तरीके का करेंसी आपके पास मिलता है भाई, ठीक है, इस तरीके का, मैं सजेस्ट करूँगा आपको 1 आवर पे चले जाओ, शिफ्ट हो जाओ भाई, सिंपल सा। पहले मार्केट चेक करो कहाँ से क्या सपोर्ट बन रहा है, कहाँ से क्या गिर रहा है मार्केट, क्योंकि उसी डायरेक्शन पे आपको ट्रेड मिलेगी सबसे ज़्यादा। अब यहाँ से मुझे मिल रहा है मार्केट की डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट है, मतलब ये जो स्टकिंग थी ये अब टूटने वाली है यहाँ से, तो मुझे सबसे ज़्यादा ट्रेड लेना है डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके लिए रेजिस्टेंस पहले चेक करना पड़ेगा मुझे 1 मिनट पे, और इस तरीके की कंडीशन अगर आपको मिलती है GBP USD पे, इस देखो बहुत गंदा फ्लक्चुएशन है भाई कहीं कहीं पे, तो देखो 1 ही मिनट पे इतना ज़्यादा इतना हो गया, आपने यहाँ पे अपवर्ड लिया, यहाँ तक गया मार्केट, फिर एकदम से डाउन हो गया, वहाँ पे तो आपके लग जाने हैं भाई, एकदम लग जाने। अब देखो 1 मिनट पे मैंने पुट करना था, यहाँ पे पुट किया मैंने, देखा आपने, अब यहाँ पे पुट किया था मैंने, जैसे ही मार्केट ऊपर था एकदम से गिर गया और लास्ट पॉइंट पे एंट्री हुई, वो सबसे बड़ा आपका मेन पॉइंट है। आपका कभी भी इंटरनेट स्टक ही नहीं रहना चाहिए जब ट्रेड करते हो, 1 मिनट पे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब ये मेरी किस्मत थी कि मार्केट ने इतना बड़ा इम्पैक्ट लिया जो हमने चेक किया था अभी 1 आवर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी मार्केट काफ़ी नीचे आ रहा है, और यहाँ पे आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनेगा, आई थिंक यहीं से जो मार्केट है ना रीबैक लेगा ना कुछ, क्योंकि यहीं से मार्केट नीचे जाने वाला है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है यहाँ पे ये कैंडल,
ये कैंडल मूव हुई, देन ये बनी, इसने भी एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम फ्लक्चुएशन हुई यहाँ पे सेम पॉइंट पे, देन मार्केट फिर से गिर गया। और एक मिनट के तो क्या ही कहने भाई, कितना डाउन जा चुका है मार्केट। देखो वहाँ से हमने ट्रेड ली, लेकिन यहाँ से हम लेने वाले थे क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा रिबैक लिया था, अपवर्ड एक्शन पे लिया। ये होता है मार्केट का माइंडसेट, ठीक है, जब मार्केट आपको लालच देता है कि मार्केट अपवर्ड जाने वाला, लेकिन ज़्यादा डाउनवर्ड एक्शन पे है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, जिस डायरेक्शन पे आपको पहले से पता है कि इसी डायरेक्शन पे मूवमेंट ज़्यादा है, उस डायरेक्शन पे ज़्यादा ट्रेड करो, ठीक है। थोड़ा वेट करके ट्रेड करो अगर एक लॉस हो जाती है आपका, ठीक है, अगर मार्केट का आपको पता है यहाँ से डाउन हो रहा है, ठीक, यहाँ से डाउन हो रहा है पता है आपको, यहाँ से डाउन आ गया इतना, थोड़ा एक आध ट्रेड आपने फिर से डाउन ले ली, चार मान पाँच मिनट की ले ली मान लो, फिर भी आपको पता है कि मार्केट डाउन है, थोड़ा वेट करो, 10-15 मिनट वेट करो भाई, 15 मिनट तो आप वेट कर ही सकते हो अराउंड एटलीस्ट, या तो एक घंटा तो वेट करो, मैं सजेस्ट करता हूँ। फिर यहाँ से आपने एक घंटा मान लो वेट किया, यहाँ पे मिल गया आपको फिर से प्रॉपर आपका वही वे, जब मिल गया आपको अपना वे, रास्ता खुला भाई, ठोक दो सीधा। अब जो स्ट्रेटेजीज होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी, आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी कि एक मिनट पे आपको कौन सी स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा ध्यान देखना है, कौन से इंडिकेटर देखने हैं, और पाँच मिनट पे और तीन मिनट पे जो जो आपको करना रहता है, किस पे आपको ध्यान देना है ज़्यादातर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ गाइज एंड बी अवेयर, सो हैव अ नाइस डे एंड ब्लास्ट डे गाइज।